दोस्तों, अगर आपको कोरियन शोज देखना पसंद है और आप कोरियन शो ढूंढ रहे हो अपने देखने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसे ज़बरदस्त कोरियन शोज जो आपको देखना ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। इस लिस्ट के अंदर कुछ शोज सब इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगे, तो मैं वो वीडियो के दौरान आपको बताता रहूँगा कौन से किस किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये बता दूँ कि कोरियन शोज के ऊपर और भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो जो शोज मैंने उन वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ, इस वीडियो के अंदर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका रीज़न आप समझ ही सकते हो कि चैनल पर रिपीट नहीं होने चाहिए शोज़। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर कहीं आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देखना कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। खैर, अब इंट्रो में ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए सीधे इसको स्टार्ट करते हैं। और आज के पहले शो का नाम है द किंग ऑफ पिग्स, और ये वाला शो 2022 में आया था। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम मिस्ट्री टाइप के शो देखना पसंद हो तो ये वाला शो आपको दिल जीत लेगा। इस शो के अंदर कहानी घूमती है दो दोस्तों के अराउंड, जो कि स्कूल के टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त रहे होते हैं, लेकिन उनको स्कूल के टाइम पे काफी ज्यादा बुली किया जाता है। फिर शो के अंदर 20 साल बीते जाते हैं, दोनों पर अपनी अपनी जगह बड़े हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों में से एक बंदा डिटेक्टिव बन गया होता है, एक बंदा क्रिमिनल बन गया होता है। वो भी ऐसे वैसे क्रिमिनल है, बहुत ही हाई लेवल का क्रिमिनल बन गया होता है, और जितने भी लोगों ने उसको बचपन में बुली करा होता है उन सबको एक करके मार रहा होता है। और भाई, ऐसे वैसे नहीं मार रहा होता, ये कटकरा मार दिया, बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है, एकदम खूनम खान करके मार रहा होता है। अब इन दोनों दोस्तों की कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है ये जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो भाई क्या ही देखोगे शो के अंदर। और जैसे मैंने बताया, शो के अंदर भाई आपको कमाल की मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, तो अगर आप इस तरीके के शो देखना पसंद करते हैं ये वाला शो आपको दिल जीत लेगा। इंडिया के अंदर तो उसकी पॉपुलैरिटी भाई बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन सीरियसली बहुत ही ज्यादा बवाल शो है। ये आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा, तो डेफिनेटली मस्ट वॉच है, जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ। और शो का नाम है फ्लावर ऑफ ईविल, और ये वाला शो 2020 के अंदर आया था। शो की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी घूमती है एक लड़की के अराउंड, जिसकी अच्छी खासी फैमिली, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी जिंदगी रह रही है, उसका जो हस्बैंड है उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, बेसिकली बहुत ही हैप्पी फैमिली है। और वो जो लड़की है प्रोफेशनली एक डिटेक्टिव है, तो उसके पास अपनी जॉब की वजह से ही एक ऐसा केस आता है जिसकी वजह से उसको कुछ 15 साल पुराने मर्डर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना होता है। कहानी भाई इंटरेस्टिंग होने लग जाती है जब उसके जो मर्डर्स को सबूत मिल रहे होते हैं उसके हस्बैंड से किसी तरह लिंक होते हैं। अब किस तरह लिंक होते हैं, अब अपने हस्बैंड के साथ क्या क्या करती है, कुछ होता है फिर नहीं होता, उनके रिश्ते में क्या क्या दिक्कतें आती है, ये सब जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, शो के अंदर मजा आ जाएगा, जो मिस्ट्री एलिमेंट जैसे मैंने बताया बवाल लेवल का है। शो के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, कैरेक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो ये शो आपको जरूर जरूर रिकमेंड करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। अगर आपको ये शो देखना है तो आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ये वाला शो सिर्फ कोरियन में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में देखना है तो आप इंटरनेट की काली शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा, तो देखना जरूर जो भी लैंग्वेज तुम्हारी पसंद की हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ। और शो का नाम है आर बिलव्ड समर, और ये वाला शो 2021 के अंदर आया था। अब दोस्तों, इसकी कहानी में कुछ ज्यादा नहीं हो रहा होता, लेकिन इसकी स्टोरी भाई बहुत ही ज्यादा सूदिंग है, बहुत ही अच्छा काम फील कराएगी आपको। कहानी के बारे में बात करूं तो कहानी आप ऐसे समझो कि एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, दिमाग से बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, वहीं पे एक लड़का होता है जो कि भाई दिमाग से बिल्कुल ढीला होता है। और भाई, मैं पर्सनली जब भी कोई ढीला कैरेक्टर देखता हूं, स्टूडेंट देखता हूं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले नोबिता नाम का कैरेक्टर दिमाग में आता है। तो ये समझ लो दूसरा जो बंदा होता है, जो लड़का होता है, नोबिता टाइप का कैरेक्टर ही होता है। तो भाई, जैसे नोबिता की आंखों में डेकी सुकी खलता है, इस लड़के की आंखों में वो लड़की भी खलती है, उस लड़की की आंखों में ये लड़का भी खलता है। लेकिन फिर आप इनकी किस्मत समझ सकते हो या फिर डायरेक्टर की मर्जी, दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ मिलनी होती है। ये दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ने लग जाती है। अब इन दोनों की कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है ये जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस कहानी तो बता दी, इसके अंदर क्या ही देखना, लेकिन दोस्तों बता दूं, ये शो आप कहानी के लिए मत देखना, ये शो की कहानी भी आपने कोई पहली बार नहीं देखी, ऐसी कहानी अक्सर बनती रहती है, हम लोग देखते रहते हैं। इस शो के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उसका तो फील होता है, जो एम्बियंस फील होता है, जो एक कंफर्टेबल एक बहुत ही काम फील देता है ये शो, उसकी वजह से ये शो देखने में इंटरेस्ट आता है। तो ये वाला शो एक बार देखना जरूर कंसीडर करना, अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा, दुर्भाग्यवश हिंदी में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलेगा, तो अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो जरूर देखना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले शो की तरफ, और ये वाला शो अपने आप में एक भाई एक बाप लेवल चीज है। शो का नाम है ब्लड हाउंड्स, और ये वाला शो 2023 का है। कमाल का एक्शन अगर आपको देखना है तो ये वाला शो आपके लिए तो भाई मस्ट वॉच है, आपको ट्रीट की तरह ये परोसा जाता है। कहानी के बारे में बात करते हैं तो शो के अंदर आप ऐसे समझो कि 2020-21 का जमाना दिखाया हुआ था, जहां पे भाई कोरिया के अंदर अलग अलग लोन शार्क होते हैं जो कि अलग अलग लोगों को लोन देते हैं। लोन दे दिया होता चलो ठीक है, उसको रिट्रीव करने के तरीके उनके बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, बहुत ही बुरी तरह से रिकवर करने जाते हैं अपनी लोन अमाउंट को। और साथ ही लोन अमाउंट तो भाई फिर भी छोटी होती है, लेकिन उसके बाद 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक इंटरेस्ट उस पर वसूल करने लग जाते हैं। सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा होता तो वो मना भी नहीं कर पा रहा, तो धीरे धीरे उसके ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा होता है। तो इसी के दौरान एक बॉक्सर होता है जिसके मदर के ऊपर काफी अच्छा खासा लोन अमाउंट हो गया होता है, वो भी तगड़े वाले लोन शार्क माफिया से। अब भाई वो जो लोन शार्क होता है उस रुपये को रिकवर करने के लिए काफी बुरी हरकतें भी करने लग जाता है, बल्कि उसकी माँ जो होती है भाई उस पर हाथ तक उठाने लग जाता है। तो ये जो बॉक्सर बेटा होता है तब तो अपनी माँ की जान बचा लेता है, लेकिन फिर भाई एक दोस्त होता है जो कि उसका बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, उसकी मदद लेके उसके साथ मिलकर उस लोन माफिया के खिलाफ एक जंग जाहिर कर देता है। और भाई उसके बाद क्या गजब का लेवल का एक्शन देखने को मिलता है, बाप चीज खूनम खान भाई, मतलब मजा ही आ जाता है वो सब देखने में। तो ये वाला शो भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रीट का काम कर देगा, अगर आपको एक्शन थ्रिल पसंद है तो। मैंने तो शो भाई बहुत ही ज्यादा रिसेंटली देखा था, तो मेरे को पहले तो एपिसोड तो ऐसे लगे कि भाई क्या ही चल रहा है, थोड़ा बोर करने लग गया था। लेकिन भाई शुरुआत के कुछ एपिसोड निकालने के बाद गजब का एक्शन, हालांकि शुरुआत के एपिसोड के अंदर भी एक्शन होता है, हल्का फुल्का होता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट
देखने को मिलती है, लेकिन वो जो इंटेंसिटी जैसे जैसे हर एपिसोड के साथ बढ़ती जाती है वो देखने में मजा आ जाता है इस शो के अंदर। तो जरूर 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 देखना अगर अभी तक नहीं देखा है तो, खासकर अगर आपको एक्शन पसंद है तो। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ, और इस शो का नाम है बिजनेस प्रपोजल, और ये वाला शो 2022 में आया था। भाई ये वाला शो जब स्टार्ट करा था तो मेरे को लगा था कि भाई शो मेरे को कुछ रोमांटिक वाला वाइब दे रहा था, लेकिन जब इसको देखना स्टार्ट करा तो भाई कॉमेडी शो निकला। कहानी के बारे में बात करते, कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसको ब्लाइंड डेट पर जाना होता है, लेकिन भाई वो लड़की अपने ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती होती है, तो अपने दोस्त को किसी तरह से मना होना के बहुत सारी पट्टी पड़ा के कि कहती है कि तू चली जा मेरी जगह। फिर वो लड़की कैसे तैसे अपनी दोस्ती की वजह से मान ही जाती है डेट पर जाने के लिए, और डेट पूरी तरह ब्लाइंड होती है, ना लड़की ने उस लड़के को कभी देखा होता है, ना लड़के ने उस लड़की को कभी देखा होता है। तो जब वो लड़की उस डेट पर पहुंच जाती है तो सामने से जब वो लड़का आ रहा होता है तो उसको पता चलता है कि वो किसी नॉर्मल इंसान के साथ डेट पर नहीं आई है, वो जिस कंपनी में खुद एक एम्प्लॉय है तो वो उसी कंपनी के सीईओ के साथ डेट पर आई है। तो भाई जैसे ही उस लड़की को उसके बारे में पता चलता है, जैसे उसको एहसास होता है, तो वो लड़की थोड़ी बौखला जाती है, उसके बाद अलग अलग चीज हरकतें करने लग जाती है, और बल्कि कोशिश करती है कि उस लड़के को पता ही ना चले कि वो लड़की उसके ऑफिस में काम करती है, क्योंकि भाई बंदा तो सीईओ है तो हर किसी एम्प्लॉय को तो जानता नहीं है, तो वो लड़की भी कोशिश करती है कि उसके बारे में उस सीईओ को पता ना चले। अब इन दोनों की कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है ये जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। काफी इंटरेस्टिंग शो है दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा हंसी आएगी शो देखते हुए। खासकर शो के अंदर जो लड़की का कैरेक्टर जिसने प्ले करा है, वो लड़की भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तो है ही, लेकिन उसके चेहरे पर जो कॉमेडी एक्सप्रेशन आते हैं भाई वो देख के ज्यादा हंसी आती है। तो जरूर देखना दोस्तों अगर अभी तक नहीं देखा है तो। अगर आप उसको देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा, और इसकी हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी करी गई है, तो आपका इंटरेस्ट पूरे टाइम बना ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ, और इस शो का नाम है होम टाउन चा चा चा, और ये वाला शो 2021 के अंदर आया था। नाम थोड़ा अजीब है शो का, लेकिन जो है सो अब यही है। तो शो की कहानी एक लड़की के बारे में जो कि डेंटिस्ट होती है, तो उसकी नौकरी जाने वाली होती है, तो सोचती क्यों ना नौकरी से पहले जाए, खुद ही छोड़कर निकल जाए। तो वो खुद छोड़ के चली जाती है नौकरी, और जाती कहाँ है भाई, छुट्टियां मनाने के लिए। वो एक सी साइड विलेज पर जाती है ये सोच के कि कुछ दिन छुट्टी मनाई जाए, कुछ दिमाग को रिलैक्स करा जाए, कुछ सोच विचार करा जाए फ्यूचर के बारे में। तो वो लड़की जब उस गाँव में पहुंच जाती है तो भाई वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, सो कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो दोनों की शुरुआत होती है थोड़ी बहुत नोकझोंक से, लेकिन दोनों की फिर दोस्ती होने लग जाती है, फिर दोनों की कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है शो को देख के जानो। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, शो के अंदर अच्छी कॉमेडी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, शो के अंदर अच्छा खासा रोमांस देखने को मिलेगा, खासकर आपको लड़की का कैरेक्टर जो जॉली कैरेक्टर है वो देखने में काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो जरूर देखना ये वाला शो को, काफी इंटरेस्टिंग शो है, मजा जरूर आएगा आपको देखने में। और ये वाला शो आपको नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अभी तक डब नहीं हुआ है, तो सिर्फ इंग्लिश से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ, और ये वाला शो इस वीडियो का बेस्ट शो होने वाला है, तो इसलिए एंड के लिए बचा के रखा है। शो का नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू, और ये वाला शो आया था 2019 के अंदर। और दोस्तों सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शो है ये वाला। शो की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो कि भाई साउथ कोरिया के अंदर रह रही होती है, बहुत ही अमीर फैमिली को बिलोंग करती है, तो एक दिन पैराग्लाइडिंग करते हुए बड़े आसमान में घूम रही होती है, लेकिन फिर मौसम खराब हो जाता है और पैराग्लाइडिंग करते करते उसकी लैंडिंग हो जाती है नॉर्थ कोरिया में, जो कि भाई एक बिल्कुल से दुश्मन देश है साउथ कोरिया का। अभी बंदी वहां पे पोस्ट हो जाती है, लेकिन भाई हमें पोस्ट की मुलाकात होती है एक आर्मी ऑफिसर से। अब नॉर्मल दिमाग तो भाई यही कहेगा कि उस आर्मी ऑफिसर ने उस लड़की को मार दिया होगा, लेकिन भाई नहीं, उस आर्मी ऑफिसर को उस लड़की से हो जाती है मोहब्बत। अब क्योंकि भाई मोहब्बत हो गई है तो वो उस लड़की को प्रोटेक्ट भी करने लग जाता है। अब इन दोनों की ये सीक्रेट लव स्टोरी कैसे कैसे आगे बढ़ती है ये जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। दोस्तों सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया शो लगेगा आपको, बहुत ही ज्यादा एडवेंचर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इसके अंदर, बहुत ही अच्छी कॉमेडी भी, बहुत ही अच्छा रोमांस भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक मस्ट वॉच शो है, और अगर अपन लोगों में से जो आईएमडीबी रेटिंग्स देख के जज करते हो शो उसको, तो बता दूं भाई इसकी करंटली आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। तो आप समझ सकते हो काफी लोगों को ऑलरेडी पसंद है ये वाला शो, कितने ज्यादा लोगों ने इसको हाईली रेट करा है। तो जरूर जरूर देखना अगर अभी तक नहीं देखा है तो, ये आपको नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिल जाएगा। और जो हमारी हिंदी ऑडियंस है उनके लिए खुश खबर की, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। खैर तो दोस्तों ये कुछ शोज थे जो मेरे को इस वीडियो के दौरान रिकमेंड करने थे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अभी की वीडियो में यहीं पर खत्म करता हूँ, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।